गाइस नमस्कार एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक अलग टाइप की वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही अलग मुद्दे पर, जो कि बहुत दिनों से बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है बोथ गवर्नमेंट और पब्लिक के द्वारा। इंडिया में बैंक्स की जब भी बात होती है तो आपने बहुत सारे जोक्स, बहुत सारे मीम्स ज़रूर सुने होंगे, जैसे कि बैंक में तो बस लंच किया जाता है, बैंक वालों को सैलरी बस लंच करने की मिलती है, बैंक वाले हमेशा अगले काउंटर पे जाओ, इस काउंटर पे जाओ, ऐसा बोलते रहते हैं। पर ऐसा सच नहीं है। बैंकर्स जितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और इस कोविड में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो भले ही कोई एक्नॉलेज ना करे, बट उसे कहीं भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसा कि इस देश में हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना इज स्प्रेडिंग जस्ट लाइक अ वाइल्ड फायर, कितने गंदे तरीके से, जैसा कि सभी लोगों ने उम्मीद किया था, इंडिया में कोरोना बिल्कुल फैला नहीं बिल्कुल फटा है। लोगों के इन्फेक्टेड होने की और मरने की तादाद की कोई गिनती नहीं है। सरकारी आंकड़े चाहे जो कुछ भी बोले, पर हम सब ये जानते हैं कि रियल सीन जो है वो कहीं ज़्यादा है, एटलीस्ट 3 to 4 times जो कि सरकारी आंकड़े हैं उससे। तो ऐसे में हमारे बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं, बहुत सारे ऐसे कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जो कि दिन और रात मेहनत कर रहे हैं कोरोना को रोकने के लिए, और साथ ही कोरोना में आप लोगों को सही फैसिलिटीज पहुंचाई जाए उसके लिए भी, जैसे कि हेल्थ वर्कर्स, प्रेस रिपोर्टर्स, पुलिस वाले और डॉक्टर्स। लेकिन इन सब लोगों के बीच में एक ऐसा वर्कमैन का सेक्टर है जो कि लगातार हमेशा रेगुलरली विदाउट एनी लीव्स काम कर रहा है, और वो है बैंकिंग सेक्टर। ना ही गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्पेशल रिकग्निशन मिला बैंकर्स को, और ना ही पब्लिक को ज़्यादा कद्र है बैंकर्स की, जो कि इस कोरोना के महामारी के बीच में भी बिल्कुल डटे हुए हैं और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। देश के इकोनॉमी में और हमारे डे टू डे लाइफ में एक बैंक और बैंकर्स की क्या कंट्रीब्यूशन है, इस बात से कोई भी अनजान नहीं है। हर किसी को पता है कि अगर बैंक एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए तो उससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कितनी बड़ी इकोनॉमिक स्लोडाउन हो सकती है एक देश में, कितना बड़ा लॉस हो सकता है फाइनेंशियल और बोथ सोशल। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल चुके हैं कि इस पैंडेमिक के बीच में उनकी भी जान को कितना खतरा है, और अगर सही टाइम पे सही मेजर्स लिए गए होते तो शायद आज वो इतने डरे हुए ना होते जितना कि डर के आज उन्हें काम करना पड़ रहा है। जहाँ इस लॉकडाउन में सरकार ये कहती है कि बाहर निकले ना, घर के बाहर कदम ना रखें, अगर ज़रूरी काम नहीं है, अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप बाहर नहीं निकलें, उस कंडीशंस में बैंकर को हर दिन अपने घर से निकलना पड़ता है, बैंक में जाके ड्यूटी करनी पड़ती है, और आप जानते हैं कि एक बैंक में एक दिन में कितनी भीड़ होती है। शहर के ब्रांचेस को अगर छोड़ भी दे तो रूरल ब्रांचेस में ऑलमोस्ट 100 to 150 ट्रांजैक्शंस एक दिन में होते हैं, सिर्फ कैश की बात करें तो। ट्रांसफर्स, NEFT, RTGS और पासबुक प्रिंटिंग, ये सब को अलग रखें, फिर भी इसके बाद भी कुछ खास रिकग्निशन तो नहीं मिली बैंकर्स को। कुछ फ्रंटलाइन वॉरियर्स की जो एक उपाधि होती है जो सरकार दे रही है आजकल, वो तो नहीं मिली, लेकिन एटलीस्ट एक प्रॉपर मेजर्स अगर लिए गए होते तो शायद बैंकर्स बहुत सेफ फील करते काम करने में, और काफ़ी मोटिवेशन भी उनको मिलता इस सिचुएशन में काम करने के लिए। तो जैसा कि बहुत गाइडलाइंस आई थी ऊपर से कि आप अगर पॉसिबल हो तो अल्टरनेट बैंकिंग कर लीजिए, कि अगर 4 staff हैं तो एक दिन 2 staff आएँ, दूसरे दिन 2 staff आएँ। बहुत सारे ऐसे ब्रांच हैं जो सिर्फ 2 staff पे चलते हैं, एक मैनेजर और एक सेकेंड स्टाफ, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता हर ब्रांच में, खासकर रूरल ब्रांचेज में। बैंकर्स की कितनी ही डेथ की भी खबर आ चुकी है, जो कि बैंक में काम करते हुए उन्हें इन्फेक्शन हुआ और उनकी कोरोना से डेथ हो गई, बट कुछ खास उन्हें हासिल भी नहीं होता इस डेथ के बाद। आज मैं ये टॉपिक आपके सामने इसलिए उठा रहा हूँ, गवर्नमेंट से कुछ खास उम्मीद नहीं है मेरी, बट एज अ पब्लिक, एज अ सिटीजन, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर आप कोऑपरेट करोगे बैंकर्स के साथ तो शायद कहीं ना कहीं उनके काम करने के लिए थोड़ी सी सहूलियत ज़रूर होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं जा सकता था जान बचाने के लिए, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो अगर गवर्नमेंट प्रॉपर टाइम पे लेती तो शायद आज ये ऐसी कंडीशंस ना होती बैंकर्स की। शुरू में ही ऑल्टरनेट डे बैंकिंग की प्रॉपर गाइडलाइंस आ जाती और किस तरह की अरेंजमेंट की जाती ताकि ऑल्टरनेट डे बैंकिंग पॉसिबल हो सरकारी बैंकों में, तो भी काफ़ी हेल्प हो सकती थी। उसके अलावा अगर प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता ब्रांचेज में, अगर हायर लेवल से ही ये गाइडलाइंस आ जाता कि हर वीक प्रॉपर सैनिटाइजेशन ब्रांच की होनी चाहिए, तो कुछ ना कुछ कोरोना इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं वो ज़रूर कम हो जाते। वैक्सीनेशंस की जहां तक बात थी तो वैक्सीनेशंस आ चुकी थी, तो एटलीस्ट जब हमें पता था
कि बैंक रेगुलरली खुले रहेंगे, बैंक्स को बंद नहीं किया जा सकता, तो एटलीस्ट बैंक स्टाफ्स को प्रॉपर वैक्सीनेशन पहले ही मिल जानी चाहिए थी, जो कि नहीं मिली और अभी भी नहीं मिल रही है। बस एक सर्कुलर आता है कि हाँ बैंक वालों को सेपरेट वैक्सीनेशन की अरेंजमेंट की जाएगी, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। एटलीस्ट अगर वैक्सीनेशन नहीं होता तो प्रॉपर टेस्ट की अरेंजमेंट तो जरूर की जा सकती थी ब्रांचेज में ही। अगर किसी भी स्टाफ को लगता कि कोरोना के सिम्टम्स उसमें दिख रहे हैं तो उनके प्रॉपर टेस्ट की, प्रॉपर आरटीपीसीआर या जो भी रैपिड टेस्ट है उनका करवाया जा सकता था। तो एटलीस्ट एक प्रिकॉशन जरूर लिया जा सकता था कि बाकी लोगों को कोरोना ना फैले, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसा कि मैंने बोला कि गवर्नमेंट से कुछ खास उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन एज अ प्रॉपर सिटीजन मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि आप शायद, अगर आप चाहें और हम चाहें तो हम दोनों साथ में मिलकर प्रॉपर बैंकिंग को कैरी ऑन किया जा सकता है। तो सबसे पहली मेरी जो रिक्वेस्ट है वो आपसे ये है कि जब तक कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम ना हो तब तक बैंक ना जाएं। अर्जेंट काम यानी पैसा डिपॉजिट करना या पैसा निकालना, जो कि मेरे हिसाब से अभी के टाइम में सबसे अर्जेंट काम है, उसके बिना काम नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको बैंक से पैसे निकालने हो या डिपॉजिट करने हो, कहीं भेजने हो, किसी और को ट्रांसफर करने हो, तो आप बैंक जाएं, बिल्कुल जाएं। जहां तक बैलेंस इंक्वायरीज, फंड ट्रांसफर की बात है, तो जहां तक हो सके आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप डिजिटल बैंकिंग का यूज करें, डिजिटल मोड्स ऑफ बैंकिंग का यूज करें। जैसे कि आप ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको उसमें ऑलमोस्ट सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, बैलेंस इंक्वायरी की, पैसे ट्रांसफर करने की, पैसे RTGS, NEFT या फिर मिनी स्टेटमेंट, आप हर कुछ, ऑलमोस्ट हर कुछ, अब तो आपके ऐप्स में ऐसे फंक्शंस आ गए जिससे आप घर बैठे FD या RD खोल सकते हो, फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट। तीसरी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बैंक आ भी रहे हो किसी काम से, तो आप कोशिश करो कि भीड़ में ना हो, दो लोग तीन लोग के ग्रुप में ना हो, अकेले हो, क्योंकि जब दो लोग तीन लोग के साथ आप आते हो तो आप इनकरेज करते हो बाकी लोगों को भी भीड़ लगाने के लिए, और जहां भीड़ होगी वहां कोरोना के फैलने के चांसेस तो बढ़ ही जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाती ब्रांच के प्रीमाइसेस के अंदर, क्योंकि ब्रांच के प्रीमाइसेस उतने बड़े नहीं होते कि आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर पाओ, आपको रोड पे ही सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो। इसलिए कोशिश करो कि कभी भी बैंक ग्रुप में ना आओ, सेपरेट टाइमिंग्स में आओ, अकेले अकेले आओ, ताकि जितनी कम से कम भीड़ हो सके। तीसरी बिल्कुल जनरल रिक्वेस्ट है, वो आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल आप लोग फॉलो करते ही होंगे, कोशिश करो कि बिना मास्क के बैंक नहीं आओ। आजकल तो थोड़े लोग थोड़े से जागरूक हो गए हैं, वरना बीच में जिसके कारण कोरोना केसेस बढ़े हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल बिना मास्क के, बिना प्रॉपर प्रिकॉशंस के, बिना फेस कवर किए घूमते थे। तो बैंक में एटलीस्ट जब आप आते हो तो बिना मास्क के बिल्कुल भी ना हो, सैनिटाइजर्स कैरी करो, अपना पर्सनल सैनिटाइजर कैरी करो, बैंक में भी आपको सैनिटाइजर्स मिल जाएंगे सैनिटाइज करने के लिए, लेकिन जहां तक हो सके सैनिटाइज करते रहो अपने हाथों को, ताकि बैंक में जब आप कुछ भी चीजें देते हो, जैसे कैश डिपॉजिट करते हो या पासबुक देते हो, तो उसके थ्रू जो बैंक कर्मी हैं उनको कोरोना वायरस ट्रांसमिशन ना हो। तो ये छोटी छोटी बातें जिसका आप ध्यान रख सकते हो। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट मैं ये बोलूंगा कि बैंक स्टाफ जो है उनके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करो, वो भी इंसान है, वो भी आप लोगों के बीच से ही जाते हैं। हो सकता है बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के फैमिली मेंबर्स भी बैंकर्स होंगे, हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार, कोई दूर के रिश्तेदार या कोई दोस्त या मम्मी पापा कोई भी बैंकर हो सकते हैं। तो जिनके घर में बैंकर्स हैं वो उनकी कंडीशंस बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे कि किस कंडीशंस में वो काम करने अभी जा रहे हैं बैंक में, जबकि कोरोना का खतरा इतना ज़्यादा है। और पिछले 1.5 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बैंक एक दिन के लिए बंद रहा हो। तो बैंकर्स के जान को काफ़ी खतरा है और हमेशा वो लोग एक्सपोज रहते हैं, तो थोड़ा सा अगर आपको ऑपरेट करोगे तो वो भी थोड़ा मॉरली बूस्ट रहेंगे, थोड़ा वो मोटिवेटेड रहेंगे और आपको कहीं ना कहीं अच्छी ही सर्विस देंगे। आप ये मेंटालिटी लेकर बैंक में मत जाओ, बैंक वाले हैं तो जब तक हम शोर नहीं करेंगे, जब तक थोड़ा हंगामा नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी चाहते हैं कि आपका काम जल्दी करें और आप जल्दी घर जा पाओ, ताकि वहाँ भीड़ ना लगे। तो थोड़ा सा अगर आप कोऑपरेट करोगे तो बहुत ही हेल्प होगी बैंकर्स को। जाते जाते आपको एक बात बता दूं, ये जो बैंकर्स जब स्ट्राइक करते हैं एक दिन की या दो दिन की, तो उनकी सैलरी में से वो स्ट्राइक के पैसे कटते हैं, वो छुट्टी नहीं होती। जस्ट टू लेट यू नो। थैंक यू।